पीएम मोदी ने अमेरिका ब्रिटेन को छोड़ा पीछे। दुनिया में बजा पीएम मोदी के नाम का डंका। दुनिया भर में पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी सर्वे में सबसे आगे निकले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में की जाती है। पीएम मोदी की बात और सलाह को दुनिया के सभी नेता काफी तवज्जो भी देते हैं। वहीं पीएम मोदी के नाम का डंका एक बार फिर से दुनिया भर में बजा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी सूची में पीएम मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति। वहीं इसी सूची में दूसरा नंबर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर को मिला है, जिन्हें 68% अप्रूवल रेटिंग मिली है। जबकि तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बेरसेट हैं, जिन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इसी सूची में चौथे नंबर पर ब्राजील के नव निर्वाचित राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा को जगह मिली है, जिन्हें 50% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। इसके साथ ही पांचवें नंबर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं, जिन्हें इस सर्वे में 52% की अप्रूवल रेटिंग प्राप्त हुई, लेकिन 42% लोगों ने उन्हें डिसअप्रूव भी कर दिया। इसके साथ ही इस सर्वे में बताया गया कि साल 2021 के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। टॉप 5 में से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बाहर। बता दें कि इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को टॉप 5 में भी जगह नहीं मिली है। इस सूची में बाइडेन को 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वां स्थान मिला है। वहीं सुनक को इस सूची में 30% अप्रूवल रेटिंग के साथ 13वां स्थान मिला। वहीं कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा दावा। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के नंबर 1 लोकप्रिय नेता बनने की खुशी में ट्वीट कर कहा, हमारे पीएम एक बार फिर से कोविड-19 संकट के विभिन्न मुद्दों और प्रबंधन के कुशल संचालन के लिए सरकार के सबसे लोकप्रिय प्रमुख के रूप में उभरे हैं। नड्डा ने जोर देकर कहा कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा की गई रेटिंग प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व और कड़ी मेहनत का प्रमाण है और देश के सभी नागरिकों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, जब से मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है, सरकार में लोगों का विश्वास और देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस विश्वास में भारी वृद्धि हुई है। एक अन्य पोस्ट में नड्डा ने मोदी को भारत के सभी क्षेत्रों में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक और दुनिया भर में उनकी स्वीकार्यता के रूप में सराहा। माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता न केवल देश के सभी जनसांख्यिकीय समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों में बेरोकटोक बढ़ती है और उन्हें अपने देश के प्रति समर्पण के लिए विश्व स्तर पर सम्मान भी मिलता है। पीएम मोदी इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी वैश्विक नेताओं में नंबर 1 पर हैं। वैसे पीएम मोदी की उम्र भले ही 65 के ऊपर हो, मगर वो युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। इसका कारण है 2014 के बाद देश में हुए कुछ बड़े फैसले। पीएम मोदी के भाषणों ने भी युवाओं के दिलों को जीता है। कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के कारण भी युवा उनको पसंद करते हैं। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में युवाओं का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान को कड़ा जवाब, कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना सहित कुछ फैसलों ने उनकी छवि और मजबूत बनाई। पीएम मोदी की छवि ईमानदार नेता की है। लोगों को ये कहते सुना गया है कि पीएम मोदी का तो परिवार ही नहीं है, वो किसके लिए करप्शन करेंगे। मोदी कैबिनेट में भले ही अन्य नेताओं के ऊपर करप्शन के आरोप लग भी जाए, मगर पीएम मोदी की छवि बेदाग बनी हुई है। मोदी सरकार को देश में 8 साल हो गए सरकार चलाते हुए, मगर आज तक सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। देश में ईमानदार सरकार की छवि बनी हुई है। कैसे होता है सर्वे? मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक लोकप्रियता का यह डेटा किसी देश में वयस्कों से 7 दिन तक किए गए सर्वे पर आधारित होता है। मॉर्निंग कंसल्ट प्रतिदिन 20,000 से अधिक वैश्विक इंटरव्यू आयोजित करता है। इंटरव्यू में मिले जवाबों के आधार पर ग्लोबल लीडर के बारे में बनाया गया डेटा तैयार किया जाता है। अमेरिका में इसका सैंपल साइज 45,000 है, दूसरी ओर अन्य देशों का सैंपल साइज 500 से 5,000 के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज़।